तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिए थे स्प्रिंग का, उसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये अगर आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, और मैंने कहा था कि इसमें अगर एक्स एक्सपेंशन है तो जो आपकी फोर्स अप्लाइड है वो जो फोर्स है वो तो कुछ भी हो सकती है। मान लो 10 न्यूटन लगाई आपने, 10 न्यूटन लगाई, ठीक है, आप 20 लगाओ, 10 लगाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता, जो मर्जी फोर्स लगाओ। तो आपकी फोर्स अप्लाइड का तो वैसे भी कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कितनी फोर्स लगाएंगे वो आप ही जाने। तो F इज इक्वल टू जो फॉर्मूला के एक्स का था वो तो स्प्रिंग की फोर्स का था। बताता हूँ कैसे, उसका मतलब क्या है। तो आपने फोर्स 10 न्यूटन लगाई और मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। एक चीज़ याद रखना, फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी, के एक्स। तो के क्या चीज़ है, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू न्यूटन और ये मीटर, तो के यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर मीटर। तो आपको के हमेशा गिवन होता है, तो के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए एक्सपेंशन बताओ स्प्रिंग में कितनी है, तो एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10, के कितने हैं 100, यहाँ से क्या जाएगा एक्स। तो आपने कितनी फोर्स लगाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने ये बताया एफ इज इक्वल टू के एक्स, पर वो फॉर्मूला काम आएगा टू कैलकुलेट द एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला कोई नहीं है। वो तो आप मुझे बताएंगे कि आपने कितनी फोर्स लगाई, मैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन बताऊंगा। पॉइंट वन क्लियर है यहाँ तक? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 10 लगाई, 20 लगाई, 30 न्यूटन लगाई, आपको एक्सपेंशन पूछेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस पर फोर्स लगा दी, चलो आपने एक्सपेंड कर दिया, जब आपने इसको छोड़ा तो क्या होगा, स्प्रिंग वापस आएगा, किसी फोर्स से वापस आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है एंड आप इसे एक्सपेंड करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, आपकी मर्जी जो भी आप फोर्स लगाएंगे, और जब आप इस फोर्स को छोड़ेंगे स्प्रिंग वापस आएगा। तो स्प्रिंग जब वापस आएगा तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हो जाएगी, जो किसकी होगी, स्प्रिंग की फोर्स होगी, वो आपकी फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, स्प्रिंग की फोर्स है। अब ये जो स्प्रिंग की फोर्स है ना, वो भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला कैरी करेगी के एक्स, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपकी अप्लाइड फोर्स इस तरफ है और ये स्प्रिंग की फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है। या ऐसे ही बोल सकते हैं, आपने स्प्रिंग को यहां डिस्प्लेस किया, एक्स राइट है तो स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट है, तो एक्स के हमेशा उल्टा होता है स्प्रिंग की फोर्स। तो अगर एक्स राइट है, स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट है, अब एक्सपैंड करेंगे स्प्रिंग की फोर्स उल्टा हो जाए, उल्टी डायरेक्शन में होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो स्प्रिंग की फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं इसको अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, जो स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रही है। लेकिन जो स्प्रिंग की फोर्स है वो उसको कहाँ लेके आ रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेके आ रही है, वापसी की फोर्स है। इस वापसी की फोर्स को फिजिक्स में बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग की फोर्स का दूसरा नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम बोलेंगे अगर स्प्रिंग को हमने एक्सपैंड कर दिया बाय एक्स, तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है, माइनस के एक्स। माइनस हमेशा होगा, रिस्टोरिंग का मतलब वापस जाना, और वापसी जाने में हमेशा साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो स्प्रिंग की फोर्स इज माइनस के एक्स। मैग्नीट्यूड सेम होगा अप्लाइड फोर्स का और रिस्टोरिंग का, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन पॉइंट ये है जब आप रिलीज करेंगे तो वो वापस आएगा। तो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड या अप्लाइड फोर्स का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला है ही नहीं, आपकी मन की इच्छा जो आप फोर्स बनाएं। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसका बनेगा, स्प्रिंग की फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। समझाया मैंने अपनी फोर्स के साथ था, लेकिन एक्चुअल में ये स्प्रिंग की फोर्स का फॉर्मूला है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?